मोबाइल से या कीबोर्ड से टाइप करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आप बोलते जाएं और वो खुद बखुद टाइप भी करता जाएगा और जिस लैंग्वेज में आप चाहें उसको ट्रांसलेट भी करता जाएगा, और आप चाहे जिस लैंग्वेज में भी बोलें। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, जब गूगल प्ले स्टोर खुल जाए यहाँ पे टाइप करें गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पे ये जो आइकन जिसके साथ जी है, ये है गूगल ट्रांसलेट की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नीचे ओपन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन खुल जाएगी। यहाँ पे माइक का निशान है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे नीचे देखें, मैंने खुद सेट किया उर्दू में, तो आप उर्दू में बात करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा क्योंकि दूसरे नंबर पर इंग्लिश है। अब मैंने बोला कि लाहौर पंजाब का दारुलहुकूमत है, तो उसने उसका तर्जमा भी कर दिया और साथ में ये देखें बोल भी रहा है। इसी तरह आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, सॉरी इंग्लिश में भी बात कर, स्पीक नाउ का बटन आएगा जब आप माइक पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, मैंने बोला था कराची इज कैपिटल ऑफ सिंध, ऊपर आप देखें कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, साथ में तर्जमा भी हो गया। आप जितना चाहें टेक्स्ट बोल सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें भी बोल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है इसने ज़िंदगी आसान कर दी है। ये देखें, किसी भी ज़ुबान में आप बात कर सकते हैं और किसी भी ज़ुबान में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की, ये बहुत आसान है, इसके थ्रू आप बहुत बहुत काम कर सकते हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो भी बंदा इंग्लिश और उर्दू या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसके लिए एप्लीकेशन बेहतरीन है। किसी भी लफ्ज़ का मैंने, जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, आपको लफ्ज़ का मैंने नहीं आता, तो ये एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल है तो आप कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे तो दूसरी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज आप चाहेंगे उसका तर्जमा हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी सहूलत है जिसका बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है।